नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्सअप नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि कई बार हमने रेलवे में ट्रेन का टिकट बुकिंग कराया हो और उसके बाद यदि कुछ रीजन की वजह से रेलवे ट्रेन कैंसिल कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पैसे वापस कब मिलेंगे, कितना चार्ज कटेगा या कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तब हम परेशान हो जाते हैं कि हमें अब हम क्या करें, अब हमारी टिकट ट्रेन कैंसिल हो गई तो टिकट भी कैंसिल हो गई, तो फिर हम पैसे वापस पाने के लिए क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं जानकारी की ओर। और अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे और कितना चार्ज कटेगा। तो आपको आपके टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। उसमें जो कन्वीनियंस फीस रहती है 17 से 20 रुपये तक के आसपास वो फीस रहती है, केवल उतने पैसे कटेंगे और उसके अलावा टिकट के पूरे पैसे आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक टिकट में आपको डेमो दिखा देती हूँ कि कन्वीनियंस फीस कहाँ लिखी होती है और कितने पैसे आपके कट सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यह आपको एक टिकट दिख रहा है, तो इसमें आपको कन्वीनियंस फीस पता चलेगी। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके यदि आप बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी कन्वीनियंस फीस। इस टिकट में दिखाया गया है 17 रुपया 70 पैसा यानी कि 18 रुपया। तो इस तरह से 15 से 20-22 रुपये के आसपास ही ये कन्वीनियंस फीस होती है। तो इतने ही पैसे आपके टिकट के कुल टोटल अमाउंट में से कटेंगे और बाकी के पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे आपके उसी अकाउंट में जिस अकाउंट से आपने टिकट बुकिंग करा था। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से यदि आपने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया हो और उसके बाद यदि ट्रेन कैंसिल हो जाए, तो चाहे आपका टिकट कंफर्म हो चुका हो या वेटिंग लिस्ट चल रहा हो, पैसे वापस पाने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेलवे द्वारा अपने आप आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।